महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों की गठबंधन महाविकास अघाड़ी को बड़ी हार मिली है। इसका असर राज्यसभा में इनकी ताकत पर पड़ने वाला है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। 228 सीटों के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस 16, शिवसेना यूबीटी ने 20 और एनसीपी एसपी ने 10 सीटें हासिल की है। इस करारी हार के चलते आने वाले दिनों में इन दलों की ताकत राज्यसभा में घट जाएगी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का सिक्का नहीं चल पाया। विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। उसके खाते में सिर्फ 47 सीट ही आई है। इस हार का असर संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में भी दिखने को मिलेगा। गठबंधन के तीन बड़े नेताओं के दोबारा राज्यसभा पहुंचने पर संकट आ गया है। एमवीए के घटक दलों को अपनी राज्यसभा सीटों को बचाने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति की प्रचंड जीत से राज्यसभा में उनकी ताकत और बढ़ेगी। राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, इनमें से 238 सांसदों का चुनाव होता है। इन्हें राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वहीं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, उम्र 30 साल से अधिक होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। विधानसभा का प्रत्येक विधायक अपनी पसंद के आधार पर उम्मीदवारों को वोट देता है। मतदान एक खुले मतपत्र के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक विधायक केवल एक बार वोट डाल सकता है। राज्य की जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 31 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्यसभा सांसद 6 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। एक तिहाई सीटों के लिए चुनाव हर 2 साल में होते हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा के 19 सांसद चुने जाते हैं। यदि प्रत्येक विधायक वोट करता है तो कांग्रेस को 16, शिवसेना यूबीटी को 20, एनसीपी शरद पवार को 10, समाजवादी पार्टी 2 और सीपीआईएम और पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया को 1-1 वोट मिलेंगे। इस तरह एमवीए को कुल 50 वोट मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन महायुति को 235 सीटों पर जीत मिली। राज्यसभा चुनाव में उसके सभी विधायक वोट देते हैं तो कुल 235 वोट पड़ेंगे। महाराष्ट्र के राज्यसभा उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 15 वोट की जरूरत होगी। इस तरह देखें तो विपक्ष गठबंधन के पास सिर्फ 3 सीट जीतने लायक वोट हैं। अभी तक एमवीए के पास 7 राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस में इमरान प्रतापगढ़ी, चंद्रकांत हंडोरे, रजनी पटेल, शिवसेना यूबीटी से प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत, एनसीपी एसपी से शरद पवार और फौजिया खान राज्यसभा में हैं। इनमें शरद पवार, फौजिया खान, प्रियंका चतुर्वेदी और रजनी पटेल का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी और संजय राउत का 2028 में कार्यकाल खत्म होगा जब वो रिटायर होंगे। केवल चंद्रकांत हंडोरे ही राज्यसभा से अगला लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।